हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंत जैन। आज हम बात करने वाले हैं एक लेदर कंपनी के बारे में जो काफ़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये कंपनी है मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड। तो ये कंपनी करती क्या है, आर्टिफिशियल लेदर, पीवीसी, विनाइल ये बनाती है, और 1994 से ये कंपनी प्रीफर्ड सप्लायर बनी हुई है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, और एक बार ये फोर्ब्स एशिया टॉप 200 के अंदर भी आई है। और ये जो कंपनी है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ आर्टिफिशियल लेदर पीवीसी विनाइल यूजिंग द रिलीज पेपर ट्रांसफ़र कोटिंग टेक्नोलॉजी। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, और इसके जो फाइनेंशियल्स है वो भी हम जानेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जानेंगे। तो काफ़ी मीन्स अच्छी कंपनी लग रही है, लॉन्ग टर्म का भी अगर आप नज़रिया रखते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। तो इसका अगर आप देखेंगे तो ये मैंने कंपनी का ओवरव्यू निकाला है, मयूर यूनिकोटर्स 397 के ऊपर चल रहा है, और इसका 52 वीक लो देखेंगे तो 311 का है और हाई 569 का है। तो लो से ये थोड़ा ऊपर आया है, तो इसका अगर आप एक साल का भी चार्ट देखेंगे तो 350 के करीब था, वहाँ से ऊपर 550 के करीब आया था, तो फिर नीचे ये आया है। और अगर आप 5 साल का भी चार्ट देखेंगे तो ग्रोथ अच्छी रही है कंपनी की, और इसका मार्केट कैप देखेंगे तो छोटी कंपनी है स्मॉल कैप की, 1813 के करीब मार्केट कैप है, 5 रुपये का इसका फेस वैल्यू है, और एवरी ईयर ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न जानेंगे, फिर इनके फाइनेंशियल्स जानेंगे। तो इसका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 61% के करीब कंपनी का प्रमोटर्स की होल्डिंग है, और उसके बाद जो है म्यूचुअल फंड वगैरह और पब्लिक की 38.74 के करीब होल्डिंग है, और इसमें 6 म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग है वो ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड है, उसके बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स 20 है, कोटक फंड्स है, मलबार इंडिया फंड, स्मॉल कैप फंड है, इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर कैनरा, HSBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस है, और भी काफ़ी सारे दूसरे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी हैं, लेकिन जिसका ज़्यादा होल्डिंग होता है वही यहाँ पे दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो ये इनके फाइनेंशियल्स भी मैंने निकाले हैं, जून क्वार्टर के भी इनके फाइनेंशियल्स लेटेस्ट आए हैं। जून क्वार्टर में देखेंगे तो 141 करोड़ का इसका टर्नओवर था, मार्च क्वार्टर में 135 के करीब, और 2017 की बात करेंगे तो 152 के करीब था। और इनका अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इनका नेट प्रॉफिट रहा है लगभग, पहले था मार्च क्वार्टर में 224 करोड़ का, उससे पहले था 25 और अब है 25.61। तो 2017 से और 2018 के अंदर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, सेम है, लेकिन मार्च क्वार्टर से बड़ा है। तो धीरे धीरे जो लेदर का डिमांड बढ़ रहा है तो उस हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग कंपनी लगती है। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप लेते हैं तो अब जो रेट चल रहा है लगभग 400 के करीब, तो यहाँ से और ग्रो कर सकती है कंपनी। स्टॉक में लॉन्ग टर्म का भी अगर आप नज़रिया रखते हैं तो लगभग यहाँ से ग्रो कर 480-525 तक भी जा सकता है। आप अपना भी रिसर्च ज़रूर करिएगा, अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा, लेकिन इनके जो फाइनेंशियल्स अच्छे आ रहे हैं, डिविडेंड काफ़ी अच्छा मीन्स कंटिन्यूस दे रही है, तो कंपनी अच्छी लग रही है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। तो आज यही एक अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताना था, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहें। चलिए, थैंक यू।